हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज ए बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल हिट द ग्राउंड अर्लियर एंड व्हाई। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बुलेट को हमने किसी हाइट सर्टेन हाइट एच से फेंका है और कुछ टाइम बाद हो क्या है, एट द सेम टाइम अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट। अगर हमने दोनों बुलेट को किसी हाइट एच से फेंका है, ठीक है, तो जो आपकी पहली बुलेट है वो आपकी ड्रॉप्ड की गई है। ड्रॉप्ड की गई है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और दूसरी बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सी बॉल होगी जो ग्राउंड को पहले टच करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मोशन है क्वेश्चन होगा, ये आपका काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, और हम इसे बोल सकते हैं आपका मोशन इन ए प्लेन पर भी बेस्ड है। किस पर? मोशन इन ए प्लेन और काइनेमेटिक्स पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बुलेट है, मान लीजिए ये आपकी कोई बुलेट है, इसको मैं दो सिचुएशन मान रहा हूँ। ये आपकी पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में मान लीजिए आपकी क्या है, कोई बुलेट है। ठीक है, इस बुलेट को क्या, उसने इट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी हाइट से हमने फेंका है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी हाइट कितनी एच है और ये आपका क्या है, नीचे ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। उसने बोला है कि ए बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, ये मान लीजिए आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है और एक दूसरी सिचुएशन है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, उस सिचुएशन को मैं यहाँ पर बी मान रहा हूँ। ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, किसी बुलेट को हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली फायर किया। ठीक है, और बुलेट को हम किसी गन या फिर किसी भी तरीके से फेंक सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने सेम हाइट से फेंका है और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये क्या आपकी, ये हाइट भी आपकी एच है और ये आपका क्या है, नीचे ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उसकी इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो नहीं होगी। ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस ये कितनी है आपकी, जीरो है, क्योंकि हमने उसे हॉरिजॉन्टली फेंका है फ्रॉम द सेम हाइट। तो उसने पूछा कि विच वन विल हिट द ग्राउंड अर्लियर एंड वाई, कौन सी बॉल क्या करेगी ग्राउंड को पहले हिट करेगी और बाद में कौन सी करेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका डिपेंड, ये आपका क्वेश्चन इस पर बेस्ड है कि जो आपका मोशन होता है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या होते हैं, दोनों आपके इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। हमें इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में उसने बोला है कि यहाँ पर हमने उस बॉल को, सॉरी उस बुलेट को हमने क्या करना है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या करना है, थ्रो करना है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, जीरो है। ठीक है, और उसको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्प्लेसमेंट उसका एच है। टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उसे कितना टाइम लगेगा, एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हमें पता है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें एक्सिलरेशन पता है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इक्वेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही इक्वेशन इन तीनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है। तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए वाई वाई क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, कितना डिस्प्लेसमेंट उसे एच हाइट उसे ट्रेवल करनी है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, प्लस हाफ इंटू एक्सिलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस आपका जी है इंटू टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एच इज इक्वल टू, आपने लिख लिया हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टू एच डिवाइड बाई जी, और जो आपका टाइम आएगा ये कितना आएगा, टू एच बाई जी। अब देखिए ये आपका टाइम टेकन हो गया, अगर ये फर्स्ट केस में। अब देखिए अब हम चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में देखिए उसके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हमने उसे क्या करा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें डिस्प्लेसमेंट पता है एच, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है कितना जी। तो देखिए उसको हमें पता क्या करना है, कितना टाइम उसे नीचे आने में लगेगा। ठीक है, यानी कि उसे एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सबसे अच्छी इक्वेशन जो यहाँ पर सबसे सूट करती है वो आपकी कौन सी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी बेस्ट फिटेड है। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट है, एच डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कितना है, वो आपका जीरो है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, वो आपका जी है इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच इज इक्वल टू यहाँ से कितना गया, हाफ जी टी का स्क्वायर, और आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका टाइम आएगा, टाइम कितना गया आपके यहाँ से, रूट टू एच अपॉन जी। ठीक है, यहाँ से भी आपका कितना टाइम आ गया, टाइम इज रूट टू एच अपॉन जी।
तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर इस बुलेट को जिसको हमने यहाँ पर थ्रो किया है इसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है √2 h/g टाइम लग रहा है, और इस बुलेट को जिसको हमने हॉरिजेंटली थ्रो किया है इसको भी कितना टाइम लग रहा है, √2 h/g लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बुलेट्स क्या करेंगे, ग्राउंड पर सेम टाइम पर हिट करेंगे। एंड वाई वाई मैंने इसका रीजन बता दिया, क्योंकि जो मोशन होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने बुलेट बी को क्या किया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रू किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग क्या रखना है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ द बुलेट्स, हम लिख सकते हैं बोथ द बुलेट्स हिट्स द ग्राउंड टुगेदर, बोथ द बुलेट हिट्स द ग्राउंड टुगेदर, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ द बुलेट्स हिट्स द ग्राउंड टुगेदर, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।